नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए निरंतर और बेहतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हरियाणा ने नई शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री पंचकुला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा उच्च शिक्षा संवर्ग के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकार द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कोई कमी आई है, केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक संस्थान्तरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वे इसका अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90% शिक्षकों को उनके द्वारा चुने गए टॉप 3 विकल्प मिल रहे हैं और इससे शिक्षक संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी से संबंधित कोई मामले सरकार के समक्ष आ रहे हैं तो उन पर तुरंत रुझान लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। नियमित भर्ती होने तक हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। पत्रकारों द्वारा 102 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन के मामले से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त स्तर पर शिकायत निवारण मंच बना हुआ है, जिसके माध्यम से सभी शिकायतों का निपटान किया जाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार की तरह उन लोगों को नोटिस जारी कर उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय केवल पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, सरकार का यही मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री पंचकुला स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें फोन कॉल के माध्यम से फिरौती मांगने की घटनाओं, अवैध हथियारों पर रोक, नशे की डिमांड और सप्लाई पर पूरी तरह से रोक लगाने आदि के विषयों पर चर्चा की गई। इन सभी विषयों पर समयबद्ध तरीके से काबू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विचार किया गया है। जहाँ जहाँ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है या इसमें कमी है, उसे दूर किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की भर्ती से जुड़े विषय पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर पुलिस विभाग की इस तरह की समीक्षा बैठक की जाती है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय पंचकुला में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध पर अंकुश लगाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में DGP हरियाणा प्रशांत कुमार अग्रवाल सहित हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने पुलिस नेतृत्व को संगठित अपराध के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने सहित अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना राज्य सरकार प्रमुख प्राथमिकता है। प्रदेश में एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और अनुकूल कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रदेश के विकास को गति देती है, क्योंकि यह जनता को अपनी पूंजी और ऊर्जा राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मुख्यमंत्री ने सरकार के अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फील्ड में तैनात पुलिस अधिकारियों, गैंगस्टरों, बदमाशों, नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी रणनीति तैयार करते हुए लागू करने पर फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस को बिना किसी दबाव के केवल कानून और जनहित से निर्देशित होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ताकि अपराधी में भय पैदा हो और कानून का पालन करने वाले नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूत बने। प्रदेश में साइबर क्राइम की स्थिति को लेकर समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ अपराध के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। उन्होंने DGP को आदेश दिए कि पुलिस के साइबर तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएं, ताकि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही साइबर अपराध को लेकर
विशेष जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए सभी फील्ड पुलिस यूनिट्स व स्टेट नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो मिलकर बेहतर कार्य कर रही है। हरियाणा पुलिस की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ हरियाणा पुलिस की लगातार कार्रवाई से जनता का विश्वास बढ़ा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए फील्ड में अधिकतम पुलिस उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जो पुराने पेड़ अंदर से खोखले हो गए हैं, वन विभाग तत्काल उनकी पहचान करे। इस संबंध में वन विभाग तत्काल प्रत्येक गांव और शहरों के वार्ड में सर्वे करवाएं। ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके अनुमति देकर उन्हें गिराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों अंदर से खोखले हो चुके पेड़ गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर लिया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं पर विभागानुसार की समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। खेल विभाग से जुड़ी घटनाओं की समीक्षा करते हुए वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि खेल विभाग वर्तमान में जिन खेल नर्सरियों का संचालन कर रहा है, वहां खिलाड़ियों की ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी लगे और इस पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि विभाग अपने खेल स्टेडियम की मरम्मत के लिए अपना इंजीनियरिंग विंग खड़ा करे ताकि बेहतर तरीके से इन स्टेडियमों का रखरखाव हो सके। उन्होंने कहा कि खेल विभाग पंचकुला की तरह गुरुग्राम में भी राष्ट्रीय स्तर का वैज्ञानिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र जल्द से जल्द तैयार करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दिए कि नगर दर्शन पोर्टल के तहत ऐसे कामों की सूची बनाई जाए जो प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं। इन कामों की एक सूची जिलेवार और एक सूची पूरे प्रदेश के कामों की बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूची के आधार पर कार्य पूरे किए जाएं। हमें नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से जनता को अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों की मांग करने का अधिकार दिया है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हमने नगर दर्शन पोर्टल को एक प्रैक्टिकल पोर्टल बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए जल्द से जल्द लोन दिलवाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जहां भी परेशानी आए उसे तत्काल दूर किया जाए। जिन बैंकों को लोन देना है उनके अधिकारियों के साथ बातचीत की जाए और जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों के लिए लोन अप्रूव कराए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और इसके साथ साथ मछली पालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए ताकि संबंधित मछली पालक इसका लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में विशेष ड्राइव चलाने के लिए कहा और इसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए तत्कालीन जमीन खरीदने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभागीय भूमि पोर्टल पर अपनी डिमांड वाले और जल्द से जल्द जमीन खरीदने की प्रक्रिया को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक्वेरियम बनाए जाने के प्रोजेक्ट को शुरू करने के भी आदेश दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने से संबंधित एक सर्वे करवाया जाए जिससे यह पता लग सके कि आज के समय में किस जिले में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, रेडक्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की भी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित करें। उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुका है जिस पर तुरंत लगाम लगाने की जरूरत है। राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्य में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। सभी अधिकारी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर जोर देना चाहिए और अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे महीने में एक बार अपने अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि रेडक्रॉस सोसाइटी को जहां कम वहां हम की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाए जिसके तहत रेडक्रॉस द्वारा दी जाने वाली फर्स्ट एड की ट्रेनिंग इन विंग के माध्यम से प्रदान की जाए। साथ ही साथ सेमरोला ने यह भी निर्देश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर जिले के सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों, रेडक्रॉस या विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित
एम्बुलेंस की जानकारी दर्ज की जाए, जिससे लोगों को अलग अलग माध्यमों की बजाय सिंगल प्लेटफॉर्म पर संपर्क करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने अपने जिलों में अध्ययन कर यह पता लगाएं कि किन किन स्थानों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इस अध्ययन के बाद आवश्यकता अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम जन विशेष तौर पर जहां मरीजों की संख्या ज्यादा है, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।